गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल डॉट मामपी। तो अभी है हम लोग आसानसोल में, क्योंकि हम लोग ट्रेन से जा रहे थे टी रीच करने के बाद कोलकाता, सबको पता है। आते आते ट्रेन में जीजा जी भी हम लोग के साथ जा रहे थे, क्योंकि जीजा जी अंडाल में नौकरी करते हैं तो उधर उतर जाते और हम लोग सीधा हावड़ा चल जाते। तो जीजा जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, ये तो पूरा जगा हुआ था, जिया जी का पैर घिस रहा था। फिर हम उसके पहले मतलब 6 तारीख को हम व्रत किए थे, तो मेरा भी बहुत हालत ख़राब है, ऊपर से मेरा पीरियड्स भी है, ठीक है। तो मेरा भी पेट दर्द दे रहा है और फर्स्ट पीरियड्स का फर्स्ट डेट बहुत दिक्कत होता है हमको ऑलमोस्ट लड़की को होता है, वो पेन समझ सकता है। ऊपर से मेरा इतना माथा में दर्द हो रहा था, वो भी इस साइड, एक साइड, ठीक है। फिर वैसा फिर हम भी उठ रहे, जीजा जी का माथा घिस रहे, हम बहुत कस के डर गए थे, बहुत डर गए थे कि कोई नहीं था, हम और ये थे और जीजा जी इतना करते लास्ट में हम लोग को आसानसोल में मतलब एक बार हम लोग हेल्प ट्रेन का हेल्पलाइन में फ़ोन किए हम दोनों, तो वहाँ से डॉक्टर आया, आके दवाई दिए, लेकिन दवाई देने के बाद जीजा जी को फिर उल्टी हो गई। क्या दो बार हुआ है, दो बार वोमिटिंग हुआ, उसके बाद ना हम लोग ट्रेन में मतलब दोपहर में जो हम लोग तो खाना खा के निकले, फिर ट्रेन में कुछ भी नहीं खाए थे, तो फिर मतलब जो इमरजेंसी डॉक्टर पास था तो वहाँ पे बोला हम लोग को आसनसोल में उतरने, हम लोग को इमरजेंसी गाड़ी जाएगा, एम्बुलेंस जाएगा, तो वहाँ से डॉक्टर के पास लेके जाएगा। तो यहाँ का हम लोग आसनसोल का कौन सा हॉस्पिटल था, वो कोई सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पे लेके गया, ठीक है। मतलब इमीडिएटली जो मिलता है वहाँ पे लेके चले गए। जाने के बाद वहाँ पे जो हॉस्पिटल है इतना मतलब मेसी था, इतना गंदा था कि हम क्या बताएं। फिर भी ठीक है, हाँ स्मेल दे रहा था लेकिन फिर भी ठीक है, देखो हो सकता है उनका मेंटेन नहीं होता होगा। तो फिर क्या बोल रहे कि एक बेड में दो लोगों को लेटाने के लिए, बोले कि इनके साथ एडजस्ट करना है। तो फिर हम बोले ये कैसा रूल्स है कि एक बेड में दो पेशेंट, कभी सुने हैं, वो भी हॉस्पिटल का बेड कैसा सबको पता है, ठीक है। तो फिर बोले कि हाँ हम लोगों का ऐसा ही होता है। हम बोले ऐसे कैसे होता है, ये हाइजीन मेंटेन नहीं करते आप लोग, बोलते कि नहीं ऐसे आप तो दो सुन के ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग को तीन एडजस्ट करवा देते हैं। हम बोले ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप जो बोल रहे हैं। तो वहाँ पर मेरा माथा इतना गर्म हुआ ना, मतलब हम पूरा तुरंत ना मतलब यही सब टाइम में बहुत ज़्यादा हम हीट कर जाते हैं, पता नहीं क्यों। फिर उधर से पुलिस खड़े थे, तो अच्छा हम लोगों का हेल्प हुआ इसलिए। हाँ फिर हिंदी में कुछ दिया, तो हमको ना बाकी सारा साइन हम ही किए, तो हिंदी हमको करना आता नहीं। तो फिर सचिन गया, सचिन सब कुछ फॉर्म वगैरह किया। तो फिर उधर से हम लोग पुलिस था, तो पुलिस को बोले कि आप यहाँ से निकलते हैं, हम लोग रेलवे जो हॉस्पिटल है, क्योंकि जीजा जी का नौकरी रेलवे पे है, तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग, रेलवे हॉस्पिटल पे जाएंगे। तो फिर हम लोग फाइनली रेलवे हॉस्पिटल में जीजा जी को एडमिट ले लिया, बहुत साफ़ सुथरा है अभी, जीजा जी वहाँ पे ही है अभी, मतलब मेडिसिन चला, सलाइन चल रहा है, अभी रिलीफ है। और हम लोग कल दोपहर को खाए थे, मतलब 6 तारीख को मेरा व्रत था और सुबह पापा हलवा वगैरह बनाए थे, तो हलवा खा के सो गए थे नाश्ता करके। उसके बाद पूरा 12-1 बजे हम लोग खाना खाए थे, चावल दाल सब्जी सब खाए थे। उसके बाद हम लोग कोई भी कुछ नहीं खाए, ना सचिन ना हम, जीजा जी भी कुछ नहीं खाए, जीजा जी भी नाश्ता किया और दोपहर का खाना खाया, रात में कुछ भी नहीं खाए। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग, अभी भूख लगा, जीजा जी को अभी रिलीफ है, तो हम लोग थोड़ा टहलते टहलते आए हैं यहाँ पे कोई होटल में, पता नहीं मतलब नॉर्मल था होटल में, बहुत भूख लगा मतलब नहीं बोलते थे। तो यहाँ पे हम लोग पूरी सब्जी लिए पहले खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सा ट्रेन, हम यहाँ पे फोन पर रखते हैं। हाँ चलो खाना सेट कर लेते, ये वाला पानी दे, हाँ दोएगा, पानी नहीं है तुमको, उठ के जाना पड़ेगा, हम उधर ही हाथ धोएंगे। तो चलो बाबा, हमको बहुत भूख लगा और ऊपर से ऐसे लग रहा है कि हम ही चक्कर खा के गिर जाएंगे। फिर पापा थोड़ी देर पहले फ़ोन किए, बोले तुम अभी ठीक हो ना, माथा नहीं ना दर्द रहा। मतलब नहीं बाबा ठीक है, अभी खाना खा लेंगे, पानी पी लेंगे ना, और ज़्यादा मतलब ठीक लगेगा, बेटर लगेगा। दो दिन नहीं सोए, मतलब तीस जिस दिन करते हैं उस दिन सोना नहीं चाहिए। और फिर आज हमें रात में नींद लग रहा था, जब ही नींद लग रहा था तभी सचिन हमको उठा देता था कि भाभी चले, क्योंकि ये अकेले है ना, ये भी डर जा रहा था। फिर भी हमको एक एक कर बोला आप सोइए, कुछ ज़्यादा होगा तब बुलाएंगे। फिर मेरा आग लग रहा था, फिर जीजा जी ज़्यादा कर दे, फिर ही हमको उठा दे रहा था, मतलब ऐसे हो रहा था।
वापस तो आ गए थे दीदी के पास, सो के उठे हैं और दीदी हम लोग के लिए बेकार बेकार मेहनत कितना मेहनत करके कोई मेहनत ना है इनको इस बहाने में आपका घर भी देखा हाँ। तो मन तेज लगा था सोए आराम के भी खा लो पता हमको ना आप खुल ही नहीं रहा था मतलब इतना दिन सोने ही सोने के बाद जब नींद मिलता है ना फिर जा मेरा नींद पूरा ही नहीं हुआ हम जाके फिर सो नेक्स्ट डे और वीडियो हम पूरा पूरा नेक्स्ट डे कर रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें कल ही ये वीडियो स्टार्ट किया था लेकिन हम कंटिन्यू नहीं किए थे घर पे आके इतना थक गए थे कि मेरा थोड़ा सा तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था लूज मोशन हो गया था हमको ठीक है पता नहीं क्यों अब बाहर का शायद वो कचौड़ी वगैरह खा लिए थे घर घर पे भी मतलब दिन भर खाना पीना भी मेरा ठीक नहीं था इसलिए शायद हुआ है। अभी पूरा पूरी फिट है ठीक है रेडी हो रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए और सब कोई कमेंट कर रहे थे कि अभी जीजा जी कैसे हैं जीजा जी भी ठीक है अभी जांच किया मतलब किए हैं कि पेट में ऐसे पेन अचानक से क्यों उठा है तो अभी रिपोर्ट नहीं आया रिपोर्ट आएगा तो हम आप लोग कंफर्म करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को क्लिप दिखा देते हैं जो वीडियो बनाए हैं कि जीजा जी का तबीयत बहुत ख़राब था हम व्लॉग नहीं ले पाए तब सचिन वहाँ पे था तो सचिन शॉर्ट्स ले रहा था तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं आप लोग ये क्लिप देख लो कि क्या हुआ है साइड है ना इधर किडनी तरफ पता नहीं एकदम पूरा बेचैनी तरह हो रहा है। हेलो पापा को फोन किया तो पापा बोले कि ऐसे पहले भी मेरा डॉक्टर दिखा नहीं था ठीक है थोड़ा सा अभी तुरंत ही तो पहुंच जाएंगे देख ही लिए होंगे मतलब हम लोग ना वहाँ पे कोई थे नहीं हम और सचिन था बस मतलब बहुत ज़्यादा ही घबरा गए थे बहुत ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। जब थोड़ा सा रिलैक्स होकर जीजा जी सो गए थे ना तभी हम लोगों को थोड़ा सा ठंडक मिला था कि हाँ चलो अब भी फ़िलहाल सही है। और हमको एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आसनसोल में ना हमको सब कोई जानता है सब कोई मतलब सब मतलब मेरे साथ ना मतलब नॉर्मल भी कोई बात कर रहा है वैसा नहीं कि हाँ मतलब नॉर्मल भी कोई बोले ना कि थोड़ा हट जाइए ऐसा होता है ना हम लोग भी बोलते हैं कोई रोड पे खड़े रहते हैं तो थोड़ा हटिए ना जाना है तो हमको पूरा टायर्ड बोले मम्मी दी थोड़ा हटिए जाना है मतलब नॉर्मल है बहुत मेरे साथ ऐसे लग रहा था कि हमको फील नहीं हो रहा था कि हम यहाँ पे आए हैं किसी को जानते नहीं है मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल था इतना कि मेरा घर के पास ही है कि हमको मेरा होता था मेरे घर के बगल में अगर हम खड़े रहे तो सब कुछ नहीं बोलता नॉर्मली मम्मी हटो मम्मी जाओ इसको देखो पागल का कांट वैसे मेरे लिए पता सब कुछ नॉर्मल था और हमको ये चीज़ देखे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच हमको इतना प्यार देने के लिए। चलो थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप करेंगे और ये लड़की को देखो तो जाने किया चीज बोल किसके लिए कालो बाबा जी का टूटू तो पूछू का आज मतलब पूछू आज गया था अल्ट्रासाउंड होता क्या बोला डॉक्टर नहीं हुआ अभी तक मतलब बोला डॉक्टर तो चलो जल्दी से बेबी आ जाए हम बहुत बेसब्र है मेरा क्या बोलता है क्या बहनपो बहन बोनपो बोले तो बोनपो बोनपो लेकिन हिंदी में क्या बोलता है
भतीजा हो जाएगा, भतीजा, मेरा भतीजा को देखने के लिए, भतीजा जी, भाता जी तो हो सकता है, बेटी मानिए, क्या बोलती है भाई, बेटी या बेटा जो भी होगा, आपका भी बेटा ही बेटी करना है, पता है, हम चाहते कि बेटा ही हो, हम चाहते भी बेटा ही हो, ठीक है, बहन बेटा, बहन बेटा, बाहर बहुत बस हवा चल रही, दिखाते हैं, देख, मन कर रहा है नीचे जाए और टहले, सही सच बता रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ये हवा, ए नीचे जाना है क्या, क्या करना, क्या नीचे जाना है, तात्री को नाम ना देते, जरा उसे जाए, कुछ है, टन टन टन, तेरे घरे আবার ডাক্তার দেখাতে যাবি? আমি যেতে পারবো না, আমার অনেক কাজ এখন, অনেক কাজ, उसका भी डॉक्टर के पास जाना है, अकेले नहीं जाएगा। और आज हम पहने जूडियो का सेम सेम, जूडियो का जो भी कलेक्शन आता है आप लोग सबके पास देख ही पाओगे, क्योंकि सब कोई जूडियो से कुछ ना कुछ तो लेते हैं, और हमको ये वाला ड्रेस अच्छा लगा था, हम लिए, अभी घर में पहनने के लिए यूज करते हैं। तो चलो रेडी हो जाते हैं, कुछ हमको रील्स बनाना है, रील शूट करना है, हो गए हैं हम रेडी, थोड़ा बहुत ही हुए हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं किए, बस थोड़ा सा हम कंसीलर से ही मेकअप को बस डन किए हैं, और लिपस्टिक हल्का सा, काजल और आईब्रो को सेट किए, अभी जाएंगे थोड़ा सा खुद खुद करके डांस करके आ जाएंगे, और एक दो रील्स बना लेंगे, क्योंकि रेडी होते हैं तो थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं, हमेशा रेडी होने का मन नहीं करता है। तो चलो जल्दी जल्दी जाते हैं और वीडियोज़ बना लेते हैं, और मायरा का आज ट्यूशन भी, थैंक यू मम्मा, ये देखो ये वाला जो है ना, ये पूरा काला हो गया था, ये हम लोग कुछ दिन पहले घर साफ किए थे, पूरे दिन रगड़ रगड़ के हम साफ किए। तो चलो सचिन बात कर रहे घर से, और क्या और क्या और क्या, और क्या, कल अच्छा खाना बनेगा घर पे, घर पे क्या हुआ, এই লোক খুদ কনফিউজ হ্যাঁ, এই লোক ঘর কব যায়গা, মাম্মা ওই দেখ তু চুল কেন আজাস নি, লড়কি নাহাই আর ফির বাল দেখো, বাল নেই, और पूछू और सोमनाथ में बहस ये हो रहा था कि वो लोग का डिसीजन ये हुआ कि वो लोग आज फ्लैट चल जाएगा उधर, तो मामा यहाँ पे है, और अभी धूप की धूप मतलब मौसम ना गजब कर रहा है, अभी बारिश हो रहा है, फिर धूप हो रहा है, फिर बहुत जोर से हवा, जो हवा वाला मौसम वो अच्छा लग रहा है, पर वो लोग कोई धूप भी हो जा रहा है, तो वो लोग बोले बच्चा को लेके फिर कहाँ इधर उधर घूमते फिरेंगे, अभी वो डॉक्टर उन लोगों को कुछ टेस्ट करने दिया है पूछू को, तो उधर हॉस्पिटल गया पूछू फिर से खाना खाने के बाद, तो इसीलिए उन लोगों में ये बहस हो रहा था कि मामा को लेके जाए कि नहीं लेके जाए, तो हम सोमनाथ को ही बोले एक काम कर, तू लोग हॉस्पिटल से आके डायरेक्ट अपना फ्लैट पर चल जा, नहीं सुना नहीं देखे, डायरेक्ट अपना फ्लैट पर चल जा, फ्लैट पर जा, वो लोग चल जाएगा, फिर हम मायरा को ट्यूशन देने के टाइम मामा को भी लेके जाएंगे, और फिर उधर से पूरा मायरा का ट्यूशन से हम चल जाएंगे पूछू का फ्लैट, इस बार में उन लोग का फ्लैट भी देख लेंगे, उधर बैठ के थोड़ा गप भी कर लेंगे, क्योंकि आज से मेरा जिम जाने का बात हुआ, लेकिन आज जिम है बंद, सोमवार करके हम लोग का यहाँ पे जिम बंद रहता है, फिर मंगलवार से स्टार्ट होता है, रविवार भी खुला रहता है, तो कल से जिम है, तो हम सोचे आज क्या करेंगे, जिम नहीं जाना है तो शाम में तो फ्री रहता है ना मायरा जब ट्यूशन जाती है, तो हम सोचे तब उस टाइम पूछू के घर चले जाए, पूछू के घर पर ही बैठे, तो यही लेके चर्चा हो रहा था, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मम्मम यहाँ पे है, मेरे साथ जाएगी क्या मम्मम, तो चलो आज का वीडियो यहाँ पे एंड, बाय बाय, सब्सक्राइब भी कर देना है ना, और क्या कर देना, लाइक, और क्या करना, कुछ नहीं, कमेंट्स करना प्यारा प्यारा, बाय।